नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राज बॉटनी पे। आज मैं आपको अपने खुद का YouTube चैनल कैसे बनाते हैं इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल राज बॉटनी सब्सक्राइब नहीं किया वाला है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप नए नए वीडियो देख सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि आपको अपना खुद का YouTube चैनल कैसे बनाते हैं इसके बारे में जानकारी। दोस्तों, खुद का YouTube चैनल बनाने से पहले आप सभी को अपना खुद का ईमेल आईडी होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपना खुद का मेल का आईडी यहाँ पे डाले वाला है, काकड़े आरपी। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने का है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको उस ईमेल आईडी का पासवर्ड डालने का है। ईमेल आईडी का पासवर्ड डालने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक विंडो ओपन होने वाली है। उस विंडो के राइट टॉप कॉर्नर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गूगल अकाउंट राजेंद्र काकड़े। तो आपको ये जो 9 डॉट्स दिख रहे हैं, इट्स 9 डॉट्स को आपको क्लिक करने का है। क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे। तो यहाँ पे जो यूट्यूब का ऑप्शन है, यूट्यूब का जो लोगो है, उसको आपको क्लिक करने का है। क्लिक करने के बाद YouTube की एक विंडो यहाँ पे जनरेट हो गई है। YouTube की विंडो जनरेट होने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप ये करनी है कि जहाँ पे देखिए पहली जो स्लाइड है, जो यहाँ पे आर लिखे वाला है, आर मतलब राजेंद्र मेरा इनिशियल। तो आपका कुछ भी नाम का जो इनिशियल है, तो वो नाम का इनिशियल यहाँ पे YouTube आपको दिखाएगा। तो उसको आपको क्लिक करने का है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला जो ऑप्शन आने वाला है, क्रिएट चैनल, मतलब आपको अपना YouTube चैनल यहाँ पे आप क्रिएट करने का है। बहुत सारे ऑप्शन है नीचे है, वो आप बाद में देख सकते हैं। पहले आपको अपना खुद का ये YouTube चैनल क्रिएट करने का है, बनाने का है। उसको क्लिक करने के बाद, क्रिएट चैनल क्लिक करने के बाद YouTube का एक नया विंडो यहाँ पे जनरेट होने वाला है। आप देख सकते हैं गेट स्टार्टेड, यहाँ पे जो गेट स्टार्टेड है ब्लू कलर में आया वाला, उसको आपको क्लिक करने का है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद वो YouTube आपको पूछता है, चूज हाउ टू क्रिएट योर चैनल, मतलब आपको अपना चैनल कैसे बनाना है। दो ऑप्शन है, यूज योर नेम, मतलब आपको अपना नेम यूज करके आप YouTube चैनल बना सकते हैं, और यूज अ कस्टम नेम, मतलब आपको ब्रांड नेम यूज करते भी आपको अपना चैनल बना सकते हैं, आप अपना चैनल बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट किया करता हूँ, यूज योर नेम। तो इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप, यूट्यूब आपको एक नया विंडो यहाँ पे ओपन दिखाता है, नाइस वर्क, योर चैनल राजेंद्र काकड़े हैज बीन क्रिएटेड। अब अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट होने वाला है। उसके बाद में अपना जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल अपडेट करने के लिए यूट्यूब आपको पूछता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलोड प्रोफाइल पिक्चर, मतलब यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना जो प्रोफाइल पिक्चर, जो YouTube चैनल पे मेरा जो पिक्चर दिखेगा वो इस तरीके से दिखेगा, मैंने यहाँ पे अपलोड किया वाला है मेरी इमेज। उसके बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद, टेल व्यूअर्स अबाउट योर चैनल, मतलब जो चैनल आप मैंने क्रिएट किया वाला है उसके बारे में YouTube पूछता है कि उस चैनल के बारे में आप व्यूअर्स को बताइए। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनों को लिखने का है कि इस चैनल में, मतलब इस चैनल में आप व्यूअर्स को क्या क्या दिखाने वाले हैं, व्यूअर्स को क्या क्या बताने वाले हैं, उसके बारे में यहाँ पे अपनों लिखने का है, टाइप करने का है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टाइप किया वाला है, वीडियोस आर मीट फॉर द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन द बॉटनी सब्जेक्ट, मतलब ये जो चैनल है मैंने बॉटनी स्टूडेंट और बॉटनी टीचर के लिए बनाया है, इसलिए मैंने वैसा डिस्क्रिप्शन इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए वाला है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद YouTube आपको फिर पूछता है, एड लिंक्स टू योर साइट्स, मतलब आपको अगर आपकी खुद की वेबसाइट है तो उस वेबसाइट की जो लिंक है, उस वेबसाइट का जो एड्रेस है, URL है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू, जो सबसे नीचे दिख रहा है, सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करने का है। तो यहाँ पे YouTube के जो अपना जो चैनल है, उस चैनल का होम पेज यहाँ पे ओपन होने वाला है। जैसे कि मैंने अपने प्रोफाइल पिक्चर भी अपलोड कर दी और मेरा जो नाम है वो नाम भी यहाँ पे दिख रहा है।
अभी अभी ये चैनल मैंने क्रिएट किया वाला है, इसलिए यहाँ पे कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है, इसलिए नो सब्सक्राइबर्स ऐसा ऑप्शन ये दिखाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि वीडियो अपलोड कैसे करते हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन है आए वाला है अपलोड वीडियो, तो इस पे क्लिक करने के बाद YouTube पूछता है सेलेक्ट फाइल्स, मतलब आपके लैपटॉप में अगर आपके पीसी पे और आपके मोबाइल पे अगर कोई वीडियो है तो वीडियो यहाँ पे आप अपने चैनल पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो वो फाइल सेलेक्ट करने की, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो जहाँ पे आपने वीडियो है उस वीडियो पे आप जाएंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे लैपटॉप में मेरी जो वीडियो फाइल थी वो माई डॉक्यूमेंट में थी, तो वो माई डॉक्यूमेंट में मैंने क्लिक किया वाला है। जूम नाम की एक फोल्डर था, तो जूम नाम के फोल्डर में ये जो वीडियो है ये वीडियो मैं अब ओपन करता हूँ, मतलब वो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अपलोडिंग की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे 20% अपलोड आप देख सकते हैं, जो वीडियो मैंने सेलेक्ट किया वाला है वो वीडियो अब अपलोडिंग की शुरुआत हो चुकी है, 20% अपलोड हो चुका है। तो उस वीडियो के बारे में, उस वीडियो का टाइटल भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि व्यूअर्स जल्द से जल्द जो आप कीवर्ड्स यहाँ पे डालेंगे वो कीवर्ड के माध्यम से व्यूअर्स आपकी वीडियो देख सकेंगे। जैसे कि ये वीडियो प्लांट हार्मोन्स के बारे में मैंने किया वाला है, इसलिए यहाँ पे मैंने प्लांट हार्मोन्स ऐसे लिखता हूँ। तो इस डिस्क्रिप्शन में भी आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स है, हार्मोन्स है, फाइटो हार्मोन्स है, मतलब आपको जो भी वीडियो है उस वीडियो के कंसर्न, उस वीडियो के बारे में जो भी कीवर्ड्स है वो कीवर्ड्स आपको इस डिस्क्रिप्शन में डालने के हैं। उसको होगा क्या, उससे ये होगा कि आपका जो वीडियो है वो ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स देख सकेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे थंबनेल का ऑप्शन आता है, मतलब आपका जो वीडियो का जो कंटेंट है, यूट्यूब क्या करता है वो वीडियो के कंटेंट की जो भी अच्छे अच्छे स्लाइड्स है वो अच्छे अच्छे स्लाइड्स चूज करके थंबनेल बताता है। आप यहाँ पे अपना खुद का थंबनेल भी ऐड कर सकते हैं, अपलोड थंबनेल, मतलब कोई भी इमेज इस वीडियो के बारे में वो वीडियो डिस्क्राइब करते हो तो वो इमेज भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज YouTube ने आपको वैसे भी ऑप्शन दिए वाले, तीन ऑप्शन दिए वाले हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन मुझे उतना पसंद नहीं। अब मैं पहले वाला ऑप्शन जो पहले वाला ऑप्शन है ये थंबनेल अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ये थंबनेल रखता हूँ। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन है, तो मैंने प्लांट हार्मोन्स का एक प्लेलिस्ट बनाने वाली है, तो वो प्लेलिस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ और डन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट, फिर स्क्रॉल डाउन करने के बाद, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यूट्यूब आपको फिर पूछता है कि ऑडियंस, मतलब वेदर दिस वीडियो इज मेड फॉर किड्स, इज दिस वीडियो मेड फॉर किड्स, वीडियो बच्चों के लिए बनाने वाला है क्या, अगर है तो यस इट्स मेड फॉर किड्स, यहाँ पे आप क्लिक करने का, अगर नहीं है तो नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, छोटे बच्चों के लिए वीडियो नहीं है। तो दोनों में से किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पे थोड़ी सी और ज्यादा जानकारी मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे एक लिंक क्रिएट किए वाली है यूट्यूब ने, उस वीडियो जो वीडियो हमने अपलोड किए वाला है उस वीडियो की एक लिंक यूट्यूब ने यहाँ पे जनरेट किए वाले है। तो यहाँ पे अपना कर्सर लेने के बाद यहाँ पे ऑप्शन देता है कॉपी वीडियो लिंक, मतलब ये वीडियो लिंक आप कॉपी करके आप कौन से भी जो सोशल मीडिया है, अगर समझो आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर ज्वाइन हो तो उस व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ये वीडियो आप वीडियो की लिंक आप डाल सकते हैं। तो ये वीडियो की लिंक मैंने कॉपी किए वाले है, उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये डिटेल्स होने वाला है, यहाँ पे राइट ऑप्शन दिखाएगा यूट्यूब, वीडियो एलिमेंट्स, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं एड एंड एंड स्क्रीन, प्रोमोट रिलेटेड कंटेंट एट द एंड ऑफ योर वीडियो, मतलब आपकी वीडियो के रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो कंटेंट भी आप आपके वीडियो के एंड में डाल सकते हैं। तो एड पे क्लिक करके वो ऑप्शन आपको जनरेट हो जाएगा। उसके बाद एड कार्ड्स, प्रोमोट रिलेटेड कंटेंट ड्यूरिंग वीडियो, मतलब वीडियो के दौरान आप कोई भी कंटेंट इस वीडियो के रिलेटेड डाल सकते हो। तो ये ऑप्शन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया वाला है, इसलिए मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। नेक्स्ट पे डालने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद YouTube आपको फिर पूछता है सेव और पब्लिश, मतलब ये आप वीडियो प्राइवेट भी रख सकते हैं
अनलिस्टेड भी रख सकते हैं या पब्लिकली वो जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने ये वीडियो पब्लिक के लिए बनाया है, इसलिए मैं ये पब्लिक पे क्लिक करता हूँ। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद YouTube आपको फिर पूछता है कौन से तारीख को या कौन से टाइम को आपको ये वीडियो पब्लिश होना है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, ये वीडियो आप शेड्यूल भी कर सकते हैं, जैसे कि आज की तारीख है अगस्त 2 और टाइम मैंने 12 AM को ये वीडियो मुझे पब्लिश करने का है, तो ये डेट मैं सेट करता हूँ। तो शेड्यूल पे क्लिक करने के बाद वो जो वीडियो है वो इसी तारीख को इसी टाइम पे वो वीडियो पब्लिश हो जाएगा। अगर आपने ये वीडियो कम्प्लीटली बिना दिक्कत ये वीडियो आपने पब्लिश किया वाला है, अपलोड किए वाला है, तो लास्ट ऑप्शन आपको YouTube ये पूछता है कि मतलब आपको आपकी सहूलियत के लिए YouTube आपको और ऑप्शन देता है, ये आप जो वीडियो बनाए वाला है ये वीडियो आप Facebook पे, Twitter पे, आपका खुद का अगर ब्लॉग है तो ब्लॉग पर भी आप ये वीडियो पब्लिश कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये व्यूवर्स अगर आपसे रिलेटेड है, फेसबुक पे आपके कोई फ्रेंड है तो वो फ्रेंड भी वीडियो देख सकते हैं, ट्विटर पे, ब्लॉगर पे, टम्बलर पे, देर आर वेरियस सोशल मीडियाज ऑन विच यू कैन अपलोड योर वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये चैनल क्रिएट किया वाला है, मैंने पहले से मेरा चैनल क्रिएट किया वाला है, तो जो अभी अभी मैंने वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड किया वाला है तो ये वो वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये चैनल का ये स्टूडियो है, यहाँ पे YouTube का ये स्टूडियो, ये आपका खुद का चैनल अब यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया वाला है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।